नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आते हैं वशीकरण के। वैसे मैंने वशीकरण तिलक भी बनाया है और सर्व कार्य सिद्धि तावीज भी बनाया है। जिन लोगों को आवश्यकता लगती है वशीकरण की, या ऐसा है कि कोई काम नहीं होता है, काम में सफलता नहीं मिल रही है और आप स्टोन वगैरह धारण नहीं कर पा रहे हैं जल्दी से, तो आप सर्व कार्य सिद्धि तावीज पहन सकते हैं। ये चीज़ें सस्ती हैं, हर व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सकता है। और तिलक का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि हाँ मैडम, हमें सफलता मिल रही है। तो आप तिलक जरूर ट्राई करें, तिलक आपको आपकी तरफ हर व्यक्ति को आकर्षित करेगा, लोगों का मन आपकी तरफ आकर्षित होगा। जैसे रोज क्वार्ट्स का भी बताती हूँ कि जो जो लोग अपने घर में रोज क्वार्ट्स रखते हैं या रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहनते हैं, लोगों का मन अपने आप उसकी तरफ आकर्षित होता है, उनकी सुंदरता भी बहुत अच्छी बढ़ती है। तो वशीकरण हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ यूनिक दिखाई दूँ, मैं अलग दिखाई दूँ, लोग मुझ मेरी तरफ कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट हो, मैं अच्छा लगूँ या मैं अच्छी लगूँ, बराबर। वशीकरण कराने में लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि वशीकरण आप तभी करें जैसे आपकी पत्नी चली गई है, या आपकी पत्नी का आप में इंटरेस्ट कम हो गया है, या कोई पार्टिकुलर व्यक्ति जिससे आप शादी करना चाहते हैं और वो व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहा है, बराबर। आपके बॉस से बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दे रही है, लेडीज बॉस है, आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी लेडीज होगी आप पर जान बोझा रखेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ो, कोई भी साधु संत है। वैसे जब आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, जिन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सबसे पहले वो भगवान को नहीं मानता, भगवान का अपमान करेगा, आध्यात्मिक चीज़ों का उसको मतलब अंदर से वो उससे जुड़ा हुआ होता ही नहीं है। कभी कभार वो ढोंग धतिंग कर लेगा कि हाँ मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन नहीं, अंदर से अगर जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो गलत कार्य की तरफ आगे बढ़ेगा ही नहीं। कई लोगों को देखना, उनका उनका मन गलत चीज़ों में ही जुड़ा हुआ होता है। दारू पीना, मांस मदिरा का सेवन करना, पर स्त्री की तरफ नज़र उठाना, ये जीते जी इस पृथ्वी पर मैं कहती हूँ जैसे बोझा होते हैं ऐसे लोग। उनके अंदर गंदगी भरी है और उस गंदगी से उनको कोई चिढ़ भी नहीं है, नफरत भी नहीं है, क्योंकि कुदरत ने, आप देखो, जहाँ हंस बनाया वहाँ कौवा भी बनाया, कुदरत ने ही ये सब बनाया, इसलिए वो नेचुरली ऐसे हैं। वो जो काम कर सकते हैं, जितना गंदा, आप किसी अच्छे इंसान को बोलो कि आप इस काम को करो, उसको 1 करोड़ रुपया दो, नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर गंदगी नहीं है। और जो गंदे लोग होते हैं, आप देखो, जो चोर होगा वो कहीं पर भी छोटी मोटी भी चीज पर हाथ मार देता है, वो चोरी जरूर करेगा, वो चीज उसके काम की है या नहीं है, लेकिन उसके अंदर चोर वृत्ति पड़ी है। और जिसके अंदर ये गंदगी नहीं है, उसके सामने सोना भी पड़ा है, वो हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि वो अंदर से चोर नहीं है, है ना। तो वशीकरण आप तभी करें जब आपका, जैसे आपको ऐसा लगता है आपका घर टूट रहा है, या इस व्यक्ति के साथ आपको जीवन निर्वाह करना है, बराबर। आपकी नौकरी जा, मतलब कोई भी अच्छे उद्देश्य को लेकर के अगर आप वशीकरण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप देखो, दुनिया में कोई भी चीज गलत नहीं है। जब एटम बम भी बनाया तो क्योंकि जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, जैसे जो जाने के रास्ते को रोक रहे थे, जहाँ बस्ती होनी चाहिए थी, जहाँ मानव जीवन होना चाहिए, लेकिन पहाड़ को कैसे हटाया जाए, तो बोले यहाँ पर एक बॉम्ब गिरा दो ताकि ये पहाड़ यहाँ से हट जाए। लोगों ने दुरुपयोग किया, बॉम्ब को कहाँ फेंक दिया, जहाँ इंसान रहते थे, बोले यहाँ फेंक दो, पूरी बस्ती खत्म। बस्ती खत्म करने के लिए उसका यूज नहीं करना चाहिए था, उसका जैसे कोई पहाड़ है उसको हटाने के लिए किया होता। दुनिया में कोई भी चीज दोस्तों खराब नहीं होती। आप देखो, हम जिसको कचरा बोलते हैं, है ना, घर के अंदर देखते हैं ये कचरा, वो कचरा हम निकालते हैं और उसको बाहर जाकर के कूड़े में इकट्ठा करते हैं। कूड़ा अगर आप अपने घर में रखोगे तो बीमार पड़ोगे, बहुत गंदी चीज है, कूड़े को घर से हटाना चाहिए, बराबर। लेकिन यही कूड़ा आप बगीचे में डाल दो, जहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, तो अच्छे अच्छे फल और फूल आते हैं। कुदरत ने कोई भी चीज खराब नहीं बनाई, सिर्फ उसका उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है, किस चीज का कहाँ यूज हो रहा है।
कौन सी फीलिंग हमारी कहाँ आनी चाहिए, कहाँ आ रही है, बहुत मायने रखती है। कौन से विचार हमारे कहाँ आने चाहिए और कहाँ आ रहे हैं, बहुत मायने रखता है ना। अगर संसार गलत चीज होती तो हर व्यक्ति सन्यासी होता, संसार का विकास हुआ ही नहीं होता। तो सांसारिक चीजें अच्छी हैं, लेकिन कहाँ, जहां उसे होना चाहिए, बराबर। तो कुदरत ने कुछ भी गलत नहीं बनाया है। तो ये जो वशीकरण मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कमेंट लिखते हैं, मैडम आप ऐसे उपाय बताते हो और लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। तो दुरुपयोग तो दुनिया की हर चीज का लोग कर रहे हैं, हर चीज का करते हैं। जो अच्छे हैं वो हर चीज का सदुपयोग करते हैं, और जो बुरे हैं, तो आप इस दुनिया से बुरे लोगों को हटा नहीं सकते, लेकिन हम इसके लिए अच्छा काम करना रोक भी तो नहीं सकते ना। तो ये जो मैं बता रही हूँ उपाय, आपको बहुत अच्छा बता रही हूँ। कोई भी स्त्री हो, एक्स वाई जेड, आप पर जान न्योछावर करेगी। आपको सिर्फ तीन चीजें लेनी है। पहली चीज है कौवे की बीट, दूसरी चीज है उल्लू की बीट, और तीसरी चीज है गुलाब जल। कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, एक शब्द नहीं बोलना है, कुछ काम नहीं करना है, बस तीनों को मिक्स करो, इसका तिलक लगा, और जिस स्त्री की तरफ देखोगे वो आपके पीछे पीछे घूमेगी जिंदगी भर, गारंटी है मेरी। बहुत जबरदस्त वशीकरण होता है। लेकिन फिर से बोलती हूँ, किसी भी चीज का दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, नहीं लगी हो अच्छी तो भी लाइक करें, क्योंकि लाइक बहुत कम आ रही है दोस्तों। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री कृष्ण।